टीना खुद से कहती है, उस दिन मेरा नाम और वो जगह मुझसे ले लिया गया और मैं एक नीली आंख वाली राजकुमारी के बदले रहने लगी, पर उस दिन मुझे मेरे नाम से बुलाया गया। मेरा कोई परिवार नहीं है, पर उसने कहा कि उसे मेरी ज़रूरत है। आज नीना घुड़सवारी सीख रही थी। एक सेवक डाइटस कहता है, उन्होंने बहुत मुश्किल चीज़ इतने आसानी से सीख लिया। अजूर कहता है, हाँ जब उन्हें दिमाग चलाना नहीं होता है तब वो बहुत जल्दी सीखती है। नीना उतरकर कहती है, घोड़े मजेदार होते हैं, मैं बाहर भी सवारी करना चाहती हूँ। और क्या अभी तुम मेरा बुराई कर रहे थे? अजूर कहता है, तुम्हारा कान सब सुन लेता है, तुम बाहर नहीं जा सकती, ये खतरनाक हो सकता है। नीना पूछती है, क्या तुम्हारा मतलब उस दिन जो हुआ था? वो उस घटने को याद करती है और मन में कहती है, वो शायद रानी का सेवक था। क्या उन्होंने इसलिए हमला किया क्योंकि उन्हें लगा कि अजूर को राजगद्दी मिल जाएगा? अजूर कहता है, मैंने तुम्हें ये भूल जाने को कहा था ना, ये सब अब खत्म हो चुका है। नीना मन में कहती है, क्या सब कुछ सच में खत्म हो चुका है? वो अजूर से कहती है, टाइटस कहाँ गया? अजूर कहता है, घोड़ों को वापस रखने। नीना कहती है, अच्छा। फिर वो इधर उधर देखती है और धीरे से अजूर को कहती है, अभी यहाँ कोई भी नहीं है। अजूर कुछ समझ नहीं पाता है तो नीना फिर से कहती है, यहाँ कोई भी नहीं है। अजूर समझ जाता है और कहता है, नीना। ये सुन के नीना खुशी से हाँ कहती है और कहती है, ये हमारा छोटा सा राज है। अजूर पूछता है, क्या तुम्हारे नाम से बुलाना तुम्हें इतना खुश कर देता है? नीना कहती है, हाँ। वो मन में कहती है, अच्छा लगता है कि यहाँ कोई है जिसे मेरी असलियत पता है। अब तक मैं उससे नफरत करती आ रही थी, ये अजीब है। महल में नीना धागे से बनी एक चीज को पकड़ के पूछती है, ये क्या है? तासी कहती है, इसे फीता कहा जाता है, दरबार के महिलाओं के बीच ये प्रसिद्ध है। ये दक्षिण से आए रक्षा सूत्र है, दरबारी महिलाएं ये उन्हें देते हैं जिनसे वो प्यार करती है। प्यार शब्द सुन के नीना को अजूर की याद आ जाती है। वो मन में कहती है, नहीं नहीं, वो बस मुझे मेरे नाम से बुलाता है, वो ऐसा नहीं है। उसके बिहेवियर को देख के दूसरी दासी कहती है, क्या कुछ हुआ है? नीना मन में कहती है, वैसे भी मैं शादी करने वाली हूँ। शादी के बारे में सोचकर वो फिर से दुखी हो जाती है। वो दासी दूसरी दासी से कहती है, हमें राजकुमार अजूर को बताना होगा। अजूर ये जानने के बाद उसे लंबी समय के लिए घुड़सवारी करने बुलाता है। नीना इसके लिए बहुत एक्साइटेड होती है। अजूर देखता है कि उसके सवारी के साथ छेड़खानी किया गया है। नीना उसे बुलाती है तो वो कहता है, मुझे तुम्हें अकेले सवारी करने देने से अभी भी डर लग रहा है, तो हम साथ में सवारी करेंगे। वो डाइटस से कहता है, डाइटस हम तुम्हारा घोड़ा लेंगे, तुम राजकुमारी का घोड़ा ले जाओ। अजूर के साथ सवारी करते हुए नीना बहुत शर्म महसूस करती है। अजूर उसे थोड़ा करीब रहने को कहता है पर शर्म के वजह से नीना अपना सर उससे टकरा देती है। यहाँ से वो दूर के नज़ारे को देखते हैं। नीना पूछती है, वो लाल छत वाला घर क्या है? अजूर कहता है, वो शाही किला है, पुराने राजा अब वहाँ रहते हैं। नीना पूछती है, क्या वो खास है? अजूर कहता है, वो मेरे परदाता है, इस देश के सफलता का जड़ वो है। सच कहा जाए तो वो अभी के राजा से ज़्यादा खास इंसान है। जब मैं 4 साल का था तब से उन्होंने ही मुझे पूरे 10 साल तक हर तरह की चीज़ें सिखाया है। मुझे कुछ चीज़ें अच्छे नहीं लगे थे पर मैं उनका सम्मान करता हूँ। नीना मन में कहता है, ये पहली बार है कि अज ने अपने बारे में बताया, शायद उसके परदादा उसके लिए खास है। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या वो मेरे लिए खास है? हाँ वो मेरे लिए खास है। वापस आकर वो खुद से एक फीता बनाती है और चुपके से वो इसे अजूर को देने जाती है। वो बाहर से देखती है कि अजूर डाइटस के साथ बात कर रहा है। डाइटस कहता है, मुझे आपके घोड़े के जिन पर भी काटने का निशान मिला है, अगर आप घुड़सवारी करते तो ये खतरनाक हो सकता था। ये दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, हमें कुछ करना होगा वरना मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा। हम पिछले राजा से मदद मांग सकते हैं। अजूर कहता है, कोई जरूरत नहीं है, अगर ये देश के लिए है तो मैं चाहूंगा कि मैं मिट जाऊँ, आखिरकार मैं उसी सितारे के नीचे पैदा हुआ हूँ। ये सुन के नीना को बहुत दुख होता है। वो अंदर आकर कहती है, अज
लगता है तुम्हें मरने का कोई चिंता नहीं है, तुम खुद को बचाने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? अजूर कहता है, मेरी जिंदगी की कीमत तुम जितनी सोचती हो उससे कई ज्यादा कम है। नीना कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। उसे रोते देख अजूर कहता है, तुम बस अपना नाटक जारी रखो नीना। नीना गुस्से में वो फीता फेंक देती है और कहती है, मुझे ये मत बुलाओ जब हम अकेले ना हो तो। वो यहाँ से चली जाती है। अजूर इस फीता को देख के सब समझ जाता है। नीना बहुत दुख और गुस्से में थी। इस टाइम राजा उससे बात करने आते हैं। नीना उनसे मदद मांगने का सोचती है। राजा कहते हैं, अलीसा मैंने सुना आप सितारों के त्योहार के दिन बीमार पड़ गई थी। नीना को याद आता है कि उस रात जो हुआ था उसके बारे में राजा को कुछ भी पता नहीं है, तो वो राजा से मदद ना लेने का डिसाइड करती है। राजा के जाने के बाद वो अजूर का मदद करने के लिए किसी ताकतवर शख्स के बारे में सोचती है। इधर दासी देखती है कि नीना अपने कमरे में नहीं है। अभी नीना घुड़सवारी करते हुए पुराने राजा के ठिकाने पर निकल पड़ती है। बीच में वो घोड़ा से नीचे गिर जाती है, फिर भी वो हार नहीं मानती है। वो फिर से घोड़ा पर चढ़ के उस शाही लाल छत वाले महल में पहुंच जाती है। वहां वो पुराने राजा से कहती है, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं अलीसा सेठ फोटना हूँ। मैंने सुने कि आप एक शक्तिशाली इंसान है और मैं आपसे एक विनती करने आई हूँ। कृपया राजकुमार अजूर का मदद कीजिए। सितारों के त्योहार के दिन उन्हें लगभग मार ही दिया गया था। किसी ने उनके घोड़े के रस्सी को काट दिया था। उनकी जान खतरे में है। पुराने राजा पूछते हैं, ऐसा कौन कर सकता है? नीना कहती है, बड़े सम्मान के साथ, मुझे लगता है रानी राजकुमार अजूर को गद्दी से दूर करने के लिए ये कर रही है। पुराने राजा पूछते हैं, क्या अजूर ने ऐसा कहा? नीना कहती है, नहीं, मैंने अंदाजा लगाया है। पुराने राजा कहते हैं, मुझे पता है वो ऐसा नहीं कहेगा। मैंने उसे ऐसे संस्कार के साथ बड़ा किया है। वो नीना को पास बुलाते हैं। उसके नजदीक आने के बाद वो कहते हैं, तुम अलीसा नहीं हो, है ना? नीना कुछ बोलती नहीं है। तो वो गेनियन और फानाम नाम के अपने दो सेवकों को आदेश देते हैं और कहते हैं, उसे तहखाने में फेंक दो। कुछ देर बाद एक सेवक आकर बताता है कि वो राजकुमारी रोना धोना करने के बजाय खुशी से उस तहखाने में साफ सफाई कर रही है। पुराने राजा को ये अजीब लगता है। वो अपने सेवक को उसे धमकाने का आदेश देते हैं, पर नीना ये धमकी सुनकर भी मुस्कुराती रहती है। अगले दिन सुबह नीना को दादाजी के सामने लाया जाता है। नीना मन में कहती है, वो मुझे और नहीं देखना चाहेंगे, ये मेरी आखिरी मौका हो सकता है। वो कहती है, कृपया राजकुमार अजूर का मदद कीजिए। दादाजी कहते हैं, तुम तहखाने से बाहर आकर मुझे पहले ये कह रही हो मुझसे माफी मांगने के बजाय? नीना कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे जो सजा देंगे वो मुझे स्वीकार है, बदले में कृपया दूसरों को माफ कर दीजिए। दादाजी कहते हैं, पर उन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम उनके लिए खुद का बलि क्यों चढ़ा रही हो? नीना कहती है, उन्होंने मुझे रहने के लिए जगह दिया है। एक बार साथ रहने के बाद वो परिवार कहलाता है। कृपया अपने शक्ति से रानी को रोकिए। दादाजी कहते हैं, मेरे पास अब और कोई ताकत नहीं है, मेरे दोनों पैर चल नहीं रहे। धीरे धीरे वो जहर मेरे पूरे शरीर में फैल जाएगा और मैं जल्दी मर जाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, पर अलीसा कर सकती है। तुम्हारी पदवी असल में शक्तिशाली है। अलीसा मेरा पोता अभी राजा है, जो गालगाड़ा से तुम्हारी शादी के लिए राजी हुआ है, और वही से सब गलत हुआ है। गालगाड़ा फोटना को अधिकार करना चाहता है, हमारे अच्छे संबंधों के बावजूद भी। वो कोई और वजह ढूंढ ही लेंगे फोटना में घुसने के लिए। सिर्फ अलीसा ही फोटना के भाग्यों को नियंत्रण करती है। अगर वो संकल्प ले तो वो अजूर को बचा भी सकती है। इस समय अजूर यहाँ पहुँचता है। दादाजी कहते हैं, वो लड़की अभी तुम्हें बचाने के लिए मदद मांग रही थी। अजूर कहता है, ये सारी योजनाएं मेरी थी, वो निर्दोष है। दादाजी कहते हैं, मुझे परिस्थिति के बारे में पता है, उसकी असलियत तो मेरे साथ बस ये दो सेवक जानते हैं, तो किसी और को पता नहीं चलेगा। इसके बाद वो इन दोनों को यहाँ रात को रुककर सुबह जाने को कहते हैं। उनके दूसरे कमरे में जाने के बाद डाइटस बाहर आता है, जो यहाँ छुपा हुआ था। दादाजी उसे कहते हैं, वो एक अजीब लड़की है, जिसकी वजह से वो वही हवा बनेगी जो अजूर को दुहला देगी। रात को छत पर आके अजूर नीना से बात करता है। नीना मन में कहती है,
वो तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। अजूर कहता है, कहीं जाने से पहले बता कर जाना। नीना कहती है, अरे तुम्हारे आंखें सुनहरे हैं, बिल्कुल तुम्हारे परदादा की तरह। अजूर कहता है, मेरे नसों में शाही खून नहीं है, तुम्हारी तरह मैं भी मरे हुए राजकुमार के बदले हूँ। ये जानकर नीना के होश ही उड़ जाते हैं। अजूर आगे कहता है, जब मैं बच्चा था मुझे बीमार राजकुमार की जगह पर रख दिया गया था। ये सच्चाई सिर्फ राजा, पुराने राजा और कुछ लोगों को पता है, रानी को भी ये बात पता नहीं है। वो उसे बताता है कि कैसे 4 साल की उम्र से ही पूरे 10 साल तक उसके परदादा ने उसे सब कुछ सिखाया है और कुछ शाही तौर तरीके उसने खुद से सीखा है। वो कहता है, जब एक असली राजकुमार पैदा हुआ तब मुझे दूसरा राजकुमार बना दिया गया, अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैंने कभी किसी चीज की आशा नहीं की है। मुहलम के पैदा होने के बाद वो मुझे मिटा सकते थे, मैं एक प्यादा था, इसीलिए मैं दूसरों को प्यादे की तरह देखने लगा, तुम्हें भी, पर तुम एक प्यादा नहीं हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। नीना रोते हुए कहती है, लेकिन तुम इसलिए मर नहीं सकते क्योंकि तुम असली राजकुमार नहीं हो, तुम मर नहीं सकते, मेरे लिए तुम हो। नीना के बातों से अजूर के दिल में हलचल पैदा होता है और वो उसे किस कर देता है। फिर वो कहता है, नीना ये बस एक सपना था। इसके बाद वो उसे कमरे में छोड़ देता है। नीना मन में कहती है, ये एक सपना नहीं था,